Hi, how are you? Welcome back to my channel. Happy New Year. Wish you all very very happy New Year. और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सबका ये नया साल अच्छा जाए और जो भी सबकी अपनी अपनी विशेज हैं वो सबकी फुलफिल हो। आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है नया, मतलब तो यहाँ पे आज मेरे को जाना है ग्रॉसरी शॉपिंग करने, क्योंकि ग्रॉसरी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है और अभी एक तो काम है, अगर वो भी मेरा आज हो जाता है तो वहाँ भी चलेंगे। तो चलिए फिर तैयार होते हैं और चलते हैं, मैं आपको थोड़ी शॉपिंग और मार्केट घुमा के लाता हूँ। सारा काम खुद ही करना पड़ता है। अब चलते हैं हम लोग शॉपिंग करने। तो शॉपिंग के लिए निकल चुके हैं हम लोग और शॉपिंग यहाँ पे ग्रॉसरी करनी है शॉपिंग मेरे को। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ग्रॉसरी शॉपिंग कैसे होती है। सी यू देयर। आज नया साल का दूसरा दिन और इतनी बढ़िया धूप निकली हुई है इधर, मेरे 3 हफ्ते में पहली बार देख रहा हूँ ये धूप निकली हुई, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो ग्रॉसरी शॉप में जा रहा हूँ, वहाँ पे कुछ सामान लेना है, तो होपफुली जो लेना है वो मिल जाए तो बढ़िया। आपको दिखाता हूँ अगर मैं नीचे वहाँ पर अंदर शूट कर पाया तो लाऊंगा बातें। शॉपिंग हमारी हो गई है, अब मुझे ढूंढना पड़ेगा केमिस्ट की शॉप, वहाँ मेरे को थोड़ा सामान लेना है। केमिस्ट की शॉप कहाँ पे ढूंढनी पड़ेगी, यहाँ पे कहाँ है आइडिया नहीं है। यहाँ भी नहीं है, इधर भी नहीं है, देखना पड़ेगा कहाँ पे। ये रही बट ये तो क्लोज है, ज़्यादा मतलब इसकी शॉप तो क्लोज है, लगता है आज सैटरडे है तो सब कुछ बंद ही होगा। चलो घर की तरफ ही चलते हैं। हाय गाइस, शॉपिंग करके मैं आ गया हूँ। एक चीज़ आप सबसे मैं शेयर करना चाहता था, मैं अपनी एक मेरी नेबर है उनके लिए मैं एक गिफ्ट पैक लाया हूँ, उन्होंने मेरे को क्रिसमस में दिया था। एक ओल्ड लेडी है, बहुत ओल्ड है, 90+ होंगी, तो ये मैंने उनके लिए लेकर आया। मैं चलो उनको विश भी कर दूँगा और उनको दे भी दूँगा और उनको अच्छा लगेगा, अकेली रहती हूँ यहाँ पे, मेरी जस्ट साइड नेबर है। तो चलो चलते हैं उनको देने। चलिए मैं ये ओल्ड लेडी है आंटी, मैं इनको विश करूँगा। अच्छा लगता है यहाँ पे सबको, मतलब
अब यही अपनी कंट्री है, ऐसे अपना थोड़ा करना चाहिए। तो मुझे पता है इनको मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, पर स्टिल मैं ट्राई करूँगा इनको समझाने के लिए, कि विश करूँगा इनको हैप्पी न्यू ईयर, और होपफुली समझ जाए तो अच्छा होगा। बहुत मुश्किल होती है कई बार इनको हाय और इनसे बात करने में, क्योंकि फिर वो ट्रांसलेटर में को ऑन करना पड़ता है, और कुछ तो बोलती हैं, बहुत ब्लेसिंग देती हैं, बट कुछ तो अच्छा ही बोलती हैं। और अभी तक कोशिश करूँगा कि इनको मेरी बात समझ में आ जाए। छुट्टी है नहीं घर पर, 5 मिनट हो गए मेरे को वेट करते हुए, बट कोई निकला नहीं बाहर, तो लगता है थोड़ी देर में आना पड़ेगा। Hi grandma, how are you? Hello. Happy New Year. This is gift for God bless you, mom. So stay blessed, yeah. Stay blessed and stay healthy. Okay. Bye bye. Bye. जैसे कि आपने देखा कि काफ़ी कितनी ओल्ड हैं, बहुत अच्छी हैं, तो बहुत अच्छा लगता है इनसे मिलकर, इनसे बात करके। समझ नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, बट अच्छा लगता है कि इनको देखकर अकेली रहती हैं, विल पावर देखकर। गाइस आपसे शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक चोरी हुई है मेरे इधर, एक मैंने यहाँ पे लाइट रखी थी और ये मैंने क्रिसमस ट्री बनाया था, ये क्रिसमस ट्री यहाँ पे थी और ये लाइट यहाँ पे थी, मेरी एक लेज़र लाइट थी जो कि प्रोजेक्शन होती थी। बट मैं जैसे अभी शॉपिंग कर आया, देखा कि वो लाइट यहाँ से गायब है, और मुझे नहीं पता कि यहाँ पे ऐसे मतलब कभी हुआ नहीं, कोई तो लाइट यहाँ से ले गया, इधर मैंने रखी हुई थी और वो प्रोजेक्शन मैंने अपनी यहाँ क्रिसमस ट्री बनाया हुआ था इधर रिफ्लेक्ट करती थी। बट ये जो भी हुआ आधे घंटे में हुआ है, ऐसी कौन हरकत करेगा। मुझे तो गुस्सा है यहाँ पे जो ये काम कर रहा है, बट सीसीटीवी कैमरा चेक करता हूँ, देखता हूँ कि मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर रखा था, मुझे लगा कि यहाँ पे इंडिया ऐसा हाल नहीं है कि कोई उठा के ले जाएगा चीज़, बट यहाँ पे वो लाइट अब किसी ने उठा ली है, और लेज़र लाइट छोटी सी लेज़र लाइट थी। मैं अपनी वीडियो में भी आपको दिखा दूंगा कि जो वो लाइट थी वो कैसे रात को अच्छी लगती थी, कैसे मैं उसको प्रोजेक्ट करता था अपनी क्रिसमस ट्री के ऊपर। ये मैंने एक अपना क्रिसमस ट्री बनाया था और यहाँ पे मैं अपनी लाइट प्रोजेक्ट करता था, दिखाऊंगा मैं आपको वीडियो में, ऐड करूँगा अगर मेरे पास फ़ोटो होगी मैं लेज़र लाइट की, कि आपको कैसे अच्छा लगता हूँ, क्योंकि छोटी हो चाहे बड़ी, बट चीज़ तो चीज़ होती है। चलिए, मैं बहुत शॉक्ड हूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा कि ऐसा यहाँ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इंडिया में तो चलो चीज़ नॉर्मल होती है, बट यहाँ पर चीज़ें ऐसे हो जाना वो चीज़ बहुत ही अलग और बुरा लगता है। तो गाइस मेरे को क्या लगता है कि ये वाला घर जो है, ये मेरा घर है, साथ में ये वाला घर है, यहाँ पे एयरबीएनबी के बंदे आए थे 2 दिन पहले, मुझे शक इनके ऊपर हो रहा है, मे बी क्योंकि यही 2 दिन पहले आए हो तभी इतनी बड़ी चीज़ हुई है यहाँ पे, लाइट चोरी हुई है मेरी लेज़र लाइट। पर ऐसे यहाँ पे हम किसी के ऊपर एलिगेशन लगा नहीं सकते कि आपने चोरी करी है, मेरा जस्ट ये प्रसप्शन है कि शायद मे बी क्योंकि 2 दिन पहले आए हैं, और 2 दिन पहले इनकी थोड़ी मुझे एक्टिविटीज़ भी सस्पिशियस ही लगती है, रात को आते हैं जाते हैं क्या करते हैं, बट ये हम ऐसे एक्शन ले नहीं सकते, और ना ही मैं किसी को एलिगेशन लगा सकता हूँ जैसे कि यही होंगे, मेरा जस्ट ऐसा एक ओपिनियन है, हो सकता है। बट सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं, देखते हैं उससे क्या निकलता है। टिल देन चलिए, ओके मैं अपना एंड कर रहा हूँ ब्लॉग, ओके जी बाय, लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगे, और सब्सक्राइब कर देना जी, ओके जी बाय।